तो आ चुका हूँ आज फिर से आपके लिए एक और न्यू वीडियो लेकर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि मैं आपको काफ़ी सारी वीडियो ला कर देता हूँ, आपके मैं काफ़ी हेल्प करता रहता हूँ। तो जैसा कि मैंने आज से काफ़ी टाइम पहले एक वीडियो डाला था बजाज फाइनेंस के बारे में कि आप बजाज फाइनेंस का फुल KYC कैसे कर सकते हैं, उस वीडियो पर मुझे काफ़ी सारे कमेंट आए हैं कि हमें एक एरर शो हो रहा है जब हम फुल KYC करते हैं तो हमारा KYC ऑलरेडी आता, मतलब कि हमारा डॉक्यूमेंट ऑलरेडी लिंक आता है किसी अदर अकाउंट से। तो उस समस्या को हम कैसे सॉल्व करें, अगर आप जानना चाहते हैं कि आप उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। लेकिन उससे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पर आपको सारे के सारे ऑफर मिल जाते हैं जो मैं आपको वीडियो के माध्यम से नहीं बता पाता हूँ। तो आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं बात करता हूँ कि आप बजाज फाइनेंस की KYC प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, इस समस्या का समाधान करने के लिए आपके पास कुछ उपाय ज़रूर हैं, लेकिन आपको इसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसा कि जब आप KYC करते हैं तो सबसे पहले आप चेक कीजिए दोबारा दोस्तों KYC कर करें, क्योंकि कभी कभी कोई दिक्कत भी हो सकता है। तो आप दोस्त 3 बार ट्राई कीजिए, 3 बार ट्राई करने के बाद अगर फिर भी आपको सेम एरर आ रहा है कि आपके डॉक्यूमेंट ऑलरेडी लिंक हैं, दोस्तों पहले तो आप फिर याद कीजिए कि आपने अपने डॉक्यूमेंट किसी को दिया तो नहीं है या किसी ने यूज़ किया हो अपने बजाज फाइनेंस में। अगर दोस्तों यूज़ किया, आपको याद आ गया, आपको पता है कि किसी ने आपके डॉक्यूमेंट यूज़ किए हैं, तो दोस्तों आप उसके पास जाकर उसका वॉल्ट दोस्तों डी रजिस्टर कर सकते हैं। अगर उससे डी रजिस्टर करेंगे तो फिर आप अपना फुल KYC कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एक तो दोस्तों ये समस्या का समाधान है जो आप कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपका ऐसे नहीं हो रहा है, मतलब कि आपको याद ही नहीं है, तो फिर आप कैसे पता कर सकते कि आपका अकाउंट कहाँ चल रहा है? दोस्तों, इसके लिए आपको करना पड़ेगा बजाज फाइनेंस से कांटेक्ट। दोस्तों, अगर आपके पास बजाज फाइनेंस का ईमेल आईडी है तो आप ईमेल आईडी पर मेल कर कर उनसे बात कर सकते हैं। अगर आपके पास मेल आईडी नहीं है तो आप क्या कीजिए, आप ट्विटर पर जाकर उनके हैंडल पर मैसेज कीजिए कि आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। दोस्तों, वो आपको कॉल करेंगे और कॉल पर आपको सब कुछ बताएंगे, आपसे कुछ बातें पूछेंगे। फिर आप उनको अपनी सारी सारी समस्या बता देना, फिर आपकी उस समस्या को समाधान कर देंगे। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर कहना चाहूँगा, वो आपका वॉलेट डी रजिस्टर खुद नहीं कर सकती हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि आपका वॉलेट किसी के पास चल रहा है बजाज फाइनेंस का, लेकिन आपको पता नहीं है, आप उनको ये कहना कि हमें पता नहीं है कि हमारे डॉक्यूमेंट कौन यूज़ कर रहा है, किसने हमारे डॉक्यूमेंट लिंक किए। आप हमारी समस्या का समाधान कीजिए, आप हमें बताइए कि हमारा वॉल्ट कौन यूज़ कर रहा है, किस नंबर से चल रहा है। दोस्तों, अगर आप उनको अपने सारे सारे डॉक्यूमेंट देंगे, जो आपको वो बोलेंगे, जो आपको वो सोल्यूशन देंगे, तो वो आपको नंबर बता देंगे जिस पर आपके डॉक्यूमेंट लिंक हैं। जब वो आपको नंबर बता देंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट किस नंबर पर लगे हैं, कौन आपका वॉल्ट यूज़ कर रहा है, आप ऐसे पता लगा सकते हैं। अगर आपकी हेल्प बजाज फाइनेंस कस्टमर केयर ने कर दी, आपको पता चल गया किस नंबर से, लेकिन आपको पता नहीं कि वो नंबर किसका है, तो दोस्तों फिर आपके पास अब कोई भी ऐसा तरीका नहीं बचता है जिससे आप अपना KYC फुल कर सकें। फिर आप अपना फुल KYC नहीं कर सकते हैं, आप फुल KYC करने के लिए फिर किसी अदर का डॉक्यूमेंट यूज़ कर सकते हैं, आपके डॉक्यूमेंट ऐसे लिंक रहने वाले हैं। तो आपको पता ज़रूर होना चाहिए कि आपके डॉक्यूमेंट किसने लिंक किया है, किसके नंबर पर आए हैं। जब आप उसके बजाज फाइनेंस से जाकर डी रजिस्टर करेंगे वॉल्ट को, फिर आप अपने डॉक्यूमेंट से KYC कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको ये एरर शो होता रहेगा और कोई भी इसका उपाय अभी नहीं आया है, कोई भी इसका ट्रिक वगैरह नहीं आया है। अगर इन फ्यूचर कोई इसका ट्रिक हुआ तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। अभी के लिए बस एक सोल्यूशन है कि आपको पता होना चाहिए, आपको खुद से जाकर मैनुअली डी रजिस्टर करना पड़ेगा, फिर आप अपना KYC कर सकते हैं किसी और नंबर पर। तो मैंने आपकी पूरी हेल्प कर दी, मैंने आपको बता दिया कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए और भी ऐसी खास वीडियो लाने वाला हूँ कि आपको कौन सी गलतियाँ भी नहीं करनी चाहिए जो आप ये ऐप यूज़ करते हैं, और भी काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। दोस्तों, बाकी सब तो बस आपको पहले ऑफर भी बताते हैं, लेकिन हम यहाँ पर ऑफर के साथ साथ आपको इम्पोर्टेंट टिप्स भी देते हैं जिनको आप डेली में अप्लाई कर कर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं, आपको समस्या फिर नहीं आएगी।